हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत बंगाल के जो गवर्नर है इसमें कवर करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे केवल गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है, बंगाल के गवर्नर की बात हो रही है, भारत के गवर्नर की भी बात इसमें नहीं हो रही है। तो बंगाल के गवर्नर कंप्लीट इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। UPPCS या फिर RO ARO का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे क्विजेज वगैरह के साथ में। तो सबसे पहला यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर था वो था क्लाइव, जो कि दो बार गवर्नर रह चुका था। पहले तो ये 1757 के बाद 1760 तक, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद इसको गवर्नर बनाया गया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका प्रदर्शन रहा था यहाँ पे युद्ध वगैरह में दबाने में, जो विद्रोह वगैरह हुए थे उसको दबाने में इसका काफ़ी योगदान था क्लाइव का, इसलिए गवर्नर बना ये बंगाल का। उसके बाद बीच में ब्रेक हुआ थोड़ा, मतलब दूसरे गवर्नर आए। उसके बाद 1765 से 67 तक फिर से ये गवर्नर बना था, बक्सर के युद्ध के बाद में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो अब क्लाइव के टाइम के काम देख लेते हैं, क्या क्या प्रमुख काम हुए थे। जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम क्लाइव के टाइम पे हुआ या फिर किस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सा काम हुआ, पहली बात तो ये कि ये प्रथम गवर्नर था, उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद फिर से गवर्नर बना। इसके अलावा इसी के टाइम पे इसने इलाहाबाद की संधि की थी, जो कि 1765 में हुई थी। इसी संधि के थ्रू इसको दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए थे। कहाँ कहाँ पे? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले एरिया में दीवानी का अधिकार क्लाइव ने ही प्राप्त किया था, जो कि मुगल बादशाह से प्राप्त किया था, शाह आलम द्वितीय से प्राप्त किया था। प्लासी के युद्ध के टाइम, बक्सर के युद्ध के टाइम जो कर्मचारी लोग थे, जो अंग्रेज सैनिक वगैरह होते थे, वो काफ़ी भ्रष्टाचार भी फैला रखा था उन्होंने। काफ़ी उपहार के नाम पर बहुत सारी चीज़ें लेते थे, तो उन पर प्रतिबंध लगाया था क्लाइव ने। इसके अलावा आंतरिक कर देना इसने अनिवार्य कर दिया था, जो भी आंतरिक कर होता था, टैक्स होता था, वो वसूला जाता था इसके टाइम पे, क्लाइव के टाइम पे। इसके अलावा क्लाइव ने व्यापार समिति का गठन किया था। ये पूछा जाता है कि व्यापार समिति का गठन किसने किया था सबसे पहले, तो क्लाइव ने किया था, जो पहला गवर्नर था। इसके अलावा श्वेत विद्रोह इसके टाइम पे हुआ था। श्वेत किस तरह का विद्रोह है? तो ये सैनिक विद्रोह था। श्वेत विद्रोह एक तरह का सैनिक विद्रोह था, जो कि अंग्रेज सैनिकों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे दोहरा भत्ता मिलना बंद हो गया था, इसीलिए विद्रोह किया गया था सैनिकों के द्वारा। पहले दोहरा भत्ता मिलता था, उसके बाद कहा गया कि जो लोग बंगाल वाली जो एरिया है उससे बाहर काम करेंगे, उससे बाहर नियुक्त होंगे, सिर्फ इन्हीं को दोहरा भत्ता मिलेगा। तो इसका विरोध किया गया था काफ़ी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी ने अपने टाइम पे द्वैध शासन को लागू किया था, जो कि द्वैध शासन लागू हुआ था 1765 में। 1765 में क्लाइव ने ही द्वैध शासन को लागू किया था, बाद में 72 तक ये चला था। 72 में जब वॉरेन हेस्टिंग आया था तब इसको ख़त्म किया गया था, द्वैध शासन को। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्क ने क्लाइव को कहा है बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला। तो पूछा जाता है किसने क्लाइव के लिए ये कथन यूज़ किया, ये स्टेटमेंट यूज़ किया, बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला, तो ये बर्क ने यूज़ किया है। फिर एक चीज़, भविष्य का अग्रदूत किसने कहा है क्लाइव को, तो ये पीवल स्पीयर ने कहा है, पीवल स्पीयर ने। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ जाती हैं। तो पीवल स्पीयर ने भविष्य का अग्रदूत क्लाइव को कहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्लाइव जब यहाँ से गया था इंग्लैंड अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद, उसके बाद इंग्लैंड जाकर उसने आत्महत्या कर ली थी। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से गवर्नर ने, बंगाल के गवर्नर ने आत्महत्या की थी, तो क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो एक स्थानापन्न आता है, जैसे एक दूसरा गवर्नर जो नियुक्त होता है वो आता है हॉलवेल। हॉलवेल जो है 1760 में थोड़े समय के लिए बना था क्लाइव के बाद। हॉलवेल के बारे में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने ब्लैक होल घटना का वर्णन किया था, हॉलवेल ने, जो कि क्लाइव के बाद आया था। नेक्स्ट बात करेंगे, हेनरी वेंसिटार्ट जो कि 1760 से 65 तक रहा था, काफ़ी लंबे टाइम तक ही रहा था वेंसिटार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके टाइम पे हुआ था वो था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था हेनरी वेंसिटार्ट के टाइम पे। हेनरी वेंसिटार्ट के बाद जो है क्लाइव, फिर से क्लाइव की नियुक्ति होती है, लेकिन कुछ समय तक ही क्लाइव रहता है। फिर से 1767 में 1767 में आता है हैरी वेरिलेस्ट आता है 67 में, और 69 तक रहता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वेरिलेस्ट के बारे में, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइम पे द्वैध शासन चल रहा था, जो कि क्लाइव ने लागू किया था, लेकिन इस टाइम पे ये चल रहा था। तो द्वैध शासन के समय वेरिलेस्ट था। इसके अलावा फिर आता है जॉन कार्टियर के टाइम भी द्वैध शासन चल रहा था, जो कि क्लाइव ने लागू किया था। कार्टियर आता 69 से 72 तक। तो वेरिलेस्ट और कार्टियर के टाइम पे, दोनों के टाइम पे द्वैध शासन चल रहा था। इसके अलावा कार्टियर के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि 1770 में जब इसका शासन था कार्टियर का, तब भारत का जो आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का पहला अकाल इसी टाइम पे पड़ा था 1770 में, जॉन कार्टियर के टाइम पे। नेक्स्ट बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग की। तो वॉरेन हेस्टिंग 1772 में आया और 85 तक रहा था। बंगाल का ये अंतिम गवर्नर था। सिर्फ बंगाल के गवर्नर की बात की जा रही है, गवर्नर जनरल की बात नहीं की जा रही है। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसके अलावा इसने द्वैध शासन को समाप्त किया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने।
बाद में ये जो वॉरेन हेस्टिंग था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अब एक शब्द इसमें और जुड़ गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी तक सिर्फ गवर्नर होते थे, अब हो गया गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा बना था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 वाला, उसी के थ्रू वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब गवर्नर जनरल जितने बने थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है। अपनी एक लाइब्रेरी भी खुल रही है, ब्रेक टाइम लाइब्रेरी के नाम से रहेगी, लखनऊ में कपूरथला में रहेगी। तो एक हफ्ते के अंदर ही वो ओपनिंग हो जाएगी, तो आप लोग जितने लोग इंटरेस्टेड हो जरूर आइएगा। और उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, उसका आपको लोकेशन वगैरह सब चीज़ें बता दी जाएगी और डिटेल्स वगैरह सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप उस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।